हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। बेसिकली आज हम लोग इस गेम में 10 गाड़ियों को परचेस करेंगे, जो 10 के 10 सुपर कार्स होंगी, और उन 10 गाड़ियों में हम लोग आज सेल करेंगे। और भाई उसके बाद एक लेंगे बड़ी वाली सुपर कार, जो कि बहुत रेयर सुपर कार है। तो चलते हैं, हम लोग कार मार्केट आज ओपन है, तो भाई चलते हैं कार मार्केट और देखते हैं कि वो 10 गाड़ी कौन कौन सी है। भाई ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं जो कि आज हम लोगों ने परचेस करने वाले हैं हम लोग। तो भाई इधर नहीं है कोई, ये देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई गाड़ी खरीदेंगे तो देखो ये है लाफरारी। भाई ये भी एक सुपर कार है, वो अलग बात है कि थोड़ा रियर कम है, ये आसानी से मिल जाती है। बट इस लाफरारी, ऐसे ही लाफरारी से मैं बहुत सारा ड्रैग रेस खेल चुका हूँ। तो भाई इसे लेते हैं, ये 270,000 भाई मिल गई, 270,000 में। तो इस लाफरारी को हम लोग देखते हैं भाई, भेज देते हैं रिपेयरिंग पे। अब चलते हैं भाई, सेकेंड टाइम है इस लॉर्ड मस्टैंग की। भाई ये भी एक सुपर कार है, थोड़ी सस्ती आती है और 65% डैमेज है, इस वजह से भाई ये हमको दे रहा है $19,300 में, 12,000 बोलते हैं इससे। ये क्या बोल रहा है कि प्राइस इज नॉट वॉज, भाई ये और ज़्यादा पैसा इसको चाहिए। ओके कोई नहीं, $15,000 बोलते हैं इसमें, मान जाए बस। इसमें भी नहीं मान रहा है भाई, इस कबाड़ी का कितना लेगा ये, 16,000, चलो $16,000। ओके ये कार मिल गई भाई, ये हो गई अपनी ये लॉर्ड मस्टैंग। थोड़ी डैमेज बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपेयरिंग करा लेंगे, अपने पास रिपेयरिंग का भी सिस्टम है। तो इसे पहले भेज देते हैं हम लोग, उसके बाद आ गई भाई। ये देखो, ये ब्लैक माफिया कार है भाई, ये ब्लैक माफिया कार, और एक इधर भी ब्लैक माफिया कार है। ये गाड़ियाँ महंगी आती है भाई, ये देखो फियाट के अवरात 131, कोई नहीं इसको ले लेते हैं, $2,38,000 के। भाई 2 लाख में दे देगा क्या, 2 लाख में दे देना चाहिए। ओके भाई, ओके मिल गई, ये कार भी हमारी हो गई भाई, $2,00,000 की हो गई हमारी कार। भाई लगभग 3 गाड़ियाँ तो हो चुकी हैं, कोई नहीं ये चेक कर देते हैं भाई, डैमेज नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग भेज देते हैं। ओके इसको डायरेक्ट भेज देते हैं। भाई बची है एक और कार, ये भी है फियाट का अवरात 131 है भाई, 1975 मॉडल, 1,36,000 दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज है, पेंटेड भी है। तो इसको भाई 1,10,000 में लेते हैं, मिल जाएगी आसानी से। ओके भाई ये भी कार मिल गई, लगभग 4 या 5 कार हम लोगों ने खरीद चुका है, और इस पर बैठते हैं और बैठ के लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब स्पेस नहीं बचा है वहाँ स्लॉट में भी और ना रिपेयरिंग पे। तो चलते हैं, इन सबको फटाफट रिपेयरिंग करेंगे और सबको एक साथ लगाएंगे। ये देखो भाई ये गाड़ी ना 100 मीटर के रेस में सबसे बेहतरीन कार है अभी तक इस गेम में ना, मतलब अगर सुपड़ा को भी हरा दे और लाफरारी को भी जो हरा दे ना, वो ये कार है ब्लैक माफिया का। क्योंकि भाई इस गेम में इसका जो 0 to 100 का स्पीड है ना, वो सबसे बेहतरीन है। तो भाई ये मेरी कार पहले से एक लगी हुई है, और ये अभी अभी लगी है जो हम लोगों ने वहाँ से $440। ओके कोई बात नहीं, इसको भाई भेज देते हैं, लेके निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हम लोगों ने ड्रैग रेस में लड़ा उड़ा के लगा के रखा हुआ है इस कार को। ओ भाई बचा मुझे लगा कि फिर से डैमेज हो गया यार, तो इसके ले चलते हैं। भाई अपना शोरूम देखो, इतना गाड़ी भरा पड़ा है ना हमारे शोरूम में, मतलब बहुत सारी ऐसे गाड़ियाँ हैं ना जो शोरूम पर लगी हुई हैं, हर ब्रांड की गाड़ी हमारे पास है, सुपड़ा पोर्स, मतलब जो चाहिए वो गाड़ियाँ हमारे पास है। तो इसको यहीं पे लगाते हैं और लगा के निकलते हैं। भाई ये देखो ये ग्लिच हो गया है, इस गेम का यही है ना, थोड़ा बेटा वर्जन है, इस वजह से ग्लिच आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ग्लिच से निकलते हैं और भाई चलते हैं अपनी वो दो कारें, जो इसमें से एक को भेजते हैं भाई रिपेयरिंग के लिए, देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन डैमेज है। ये देखो भाई इसको भेज देते हैं, ये आई थिंक रिपेयर्ड थी क्या, पता नहीं है, चेक कर देते हैं। नहीं ये वाली रिपेयर्ड थी, इसको रिपेयर्ड हम लोगों ने कर दिया था, तो इसको यहीं पे रखेंगे जो कि रिपेयर्ड है। भाई ये रिपेयरिंग हो चुकी है, और ये भी देखो, बोला था ना मैंने ये रिपेयरिंग हो गया है। इन दोनों कार को पहले इसको भेज देते हैं भाई, इसको भेज देते हैं पार्किंग स्लॉट में, ये चली गई, और इसको बैठ के बाहर निकालना पड़ेगा भाई, बैठ के बाहर निकालना पड़ेगा इसको। ओके तो इसमें चलते हैं, फटाफट से बैठते हैं। ओ यार ये कहाँ आ गया, हाँ अब आया बैठने वाला, तो ये बैठ के स्टार्ट करते हैं अपने कार को और लेके चलते हैं भाई बाहर, इसको पहले लेके चलते हैं।
लेके चल के लगाते हैं भाई। मतलब ये कार बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव इसमें माना जाता है, एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे मतलब इससे भी एक्सपेंसिव कार है इस गेम में ना, 0 to 100 सबसे ज़्यादा इतने से समझ लो, ये लैम्बोर्गिनी से भी ज़्यादा महंगी आती है ये कार, इस वजह से इस कार का सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो भाई चलते हैं हम लोग इधर, और ये अपना सुपड़ा है पोर्स, देखते हैं कि ये डैमेज कितना परसेंट है, चेक कर लेते हैं भाई। 65% यार, ये जो हम लोगों ने $16,000 में ख़रीदा था वो कार है ये, इसको लेके चलते हैं। ओके भाई, लॉर्ड मस्टैंग कार हमेशा से मेरी फेवरेट है। इसका जो लुक है ना यार, मतलब क्रूज जैसा इसका लुक है, एकदम बेहतरीन कार लगती है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये। और ये देखो इसको पहले रिपेयरिंग में भाई $1,300, ठीक है $20,000 की हो गई, अगर 40,000 में बिक जाती है तो डबल मुनाफा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं और चलते हैं, इसको भी पूछ लेते हैं भाई कि कितना लगेगा इसका। भाई $1,060, ये पूरे डैमेज थी भाई। तो चलते हैं, जो गाड़ी वहाँ पे है उन सबको लगाते हैं सबसे पहले पार्किंग स्लॉट में, क्योंकि भाई आज इन 100 गाड़ी को बेचना भी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से लैम्बोर्गिनी है हमारी जो हमने ख़रीदा था, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है पिछला तो जाइए उस वीडियो को देखिए, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको गेम प्ले कैसा लगा, लाइक कीजिए। और भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ जाओ और सब्सक्राइब कर दो यार। तो ये देखिए, ये हम लोग चले। ओके ये भाई इस कार को भी लगा देते हैं अपने लैम्बोर्गिनी, जगह बहुत लेती है यार, कोई नहीं जगह की कमी नहीं अपने पास, तो इसको यहाँ लगाते हैं, लगा के उतर जाते हैं। आसानी से सब कारें बिक जाएंगी भाई, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कारें हैं सबके सब। तो चलते हैं, और भी कोई कार है क्या? तो भाई यहाँ ये रिपेयरिंग हो रहा है, तब तक रात हो गई है, चलते हैं हम लोग सोने, रात होने वाली है भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई नहीं। तो ये है हमारा घर, अभी भी ओपन ही है भाई, कोई कुछ चुरा ना ले जाए इसमें से, चोर सब घूमते रहते हैं इधर। आज हम लोग ने अर्निंग थोड़ा सा भी नहीं किया है, केवल परचेजिंग किया है जो कि हमारे $5,96,000 की है। नेक्स्ट डे हो गया है, गुड मॉर्निंग। तो आज भाई बेसिकली कोई भी शॉप ओपन है नहीं, तो चलते हैं और देखते हैं भाई, यहाँ कोई कुछ ओपन नहीं है। एक बार और चलते हैं, क्या सोने यार, चलते हैं ऑफिस और सभी कार को लगाएंगे और फिर आएंगे और देखेंगे एक आध ड्रैग रेस भी खेलने। तो चलते भाई नेबरहुड चलते हैं, क्या कार मार्केट ओपन नहीं होगा, चलते हैं नेबरहुड भाई, कोई काम भी है नहीं यहाँ, तो एक बार और चलते हैं। इस गेम में ये है ना कि अगर आप दो बार सो जाते हो ना, तो भाई फिर से एक नया दिन शुरू होगा और फिर से एक नया गेम मिलेगा जिसमें कार सोर्स सब कुछ मिलेंगे, सब कुछ नया मिलेगा आपको इस वजह से। तो चलते हैं इसको, नेक्स्ट डे हो गया भाई, बेसिकली हम लोग का नेक्स्ट डे हो गया, तो चलते हैं इसको। और फिर ये देखो, ये है हमारा, आ गए हम लोग, कार मार्केट ओपन है आज, कार मार्केट में चलते हैं और भाई देखेंगे आज भी जो भी जितनी भी गाड़ियां होंगी ना एक्सपेंसिव सब खरीदेंगे भाई। ये क्या, मुझे बहुत सारी एक्सपेंसिव कार नज़र आ रही है, ये देखो लैम्बोर्गिनी भाई, ओ माय गॉड, ये लैम्बोर्गिनी, एक इधर लैम्बोर्गिनी भाई, ये सेकंड लैम्बोर्गिनी, लाफरारी, ओके भाई, ये तीन सुपर कार, वो भी मोस्ट एक्सपेंसिव, ऐसे की कोई कमी नहीं है खरीदने में। ये 12% डैमेज है, 4,36,000 डिमांड है, बार्गेन करते हैं भाई, इसको 370 बोलते हैं, 370 या देख लेते कितना बोले भाई, 4,36,000 बोल रहा है ये, और बहुत ज़्यादा 3,90,000 बोलते हैं भाई, $390,000, 3,00,000 पहले बोलते, 3,00,000 में नहीं देगा यार, मुझे पता है, लेकिन ऑफ़र कर देते हैं एक बार, क्योंकि कांट एक्सेप्ट भाई, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद 3,40,000 में कर लो यार, नहीं करेगा तो भाई जितना प्राइस बोला है उतने प्राइस में हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा। हम लोग के पास एक और चांस है, 3,60,000, ओके 3,60,000 में दे दिया यार इसने, ओके इसको भेज देते हैं भाई पार्किंग। और ये देखो, ये है आज का दूसरा लैम्बोर्गिनी भाई, ये 1988 की है, $5,84,000 की है भाई, कोई नहीं, 4,20,000 बोलते हैं भाई, मिल जानी चाहिए इतने में भाई, नॉट फिक्सिबल, ओ यार फ्लेक्सिबल नहीं है ये, और चाहिए इसको, तो 450 में दे दो यार, $4,50,000 में दे दो, ओके ये इतने भाई कितना लेगा पैसा यार, इतने भी नहीं मान रहा है ये, 470 भाई,
बहुत ज़्यादा बोल दिया इसको, अब इससे ज़्यादा मांगे नहीं देंगे इसको। मिल गया भाई, ये मिल गया 4,70,000 में, ये हो गई कार हमारी। भाई फिर से ग्लिच आ गया यार, ये देखो $4,70,000 में हम लोगों ने इस कार को ख़रीदा है और ग्लिच आ गया, इसलिए भेजते हैं इसको भी रिपेयरिंग पे भेज दें क्या भाई। 42% है डैमेज, रिपेयरिंग स्लॉट खाली नहीं है इसलिए रिपेयरिंग पे इसको नहीं भेजेंगे। अब भाई चलते हैं अपनी ये थर्ड वन लाफरारी F430 भाई, 3,30,000 में बोल रहा है भाई, इसको 2,00,000 सुंघाते हैं। 290 या 280 आप लोग बताओ ये कितने में, 280 ओके ओके भाई 280 में इसको करते हैं डन। ये हो गई भाई, ये मिल गई, और भी सस्ती हो सकती थी क्या ये, मे भी और सस्ती हो सकती थी यार। अब कोई दूसरा कार बचा नहीं भाई, ये फियाट है आई थिंक, बट ये बहुत ही ओल्ड है ना, ये रजिस्ट्रेशन है भाई वोगन का, जो कि $13,000 में दे रहा है भाई। इतना सस्ती कारें हमारे शोरूम पे कहाँ मिलती है यार, हम लोग मतलब वो ज़माना बीत गए जब सस्ती कारें जो $30,000-$35,000 की कारें खरीदते थे। हाँ एक अभी भी ख़रीदा जाता है सस्ती प्राइस में, वो है एक लॉर्ड मस्टैंग, क्योंकि वो कार है भाई, उसमें बात है उस कार में, इस वजह से वो कार खरीदा जाता है। तो चलते हैं भाई, अभी देखो ये लगभग 8 या 9 कार हमारे पास हो गई हैं, तो इसको भी चलते हैं रिपेयरिंग पे। पहले इन दोनों को पहले हटाएंगे भाई रिपेयरिंग से, और जाके फटाफट से उन दोनों कार को रिपेयरिंग पर से लाते हैं। ये रिपेयरिंग हो चुका है आई थिंक, पूछ लेते हैं यार। ओके ये रिपेयरिंग हो चुका है, और ये भी सेकंड वाला भी रिपेयरिंग हो चुका है, तो इन दोनों को भेज देते हैं भाई। ये कहीं जगह नहीं है यार, इन सबको एक एक करके लगाना होगा ये भाई। ये देखो ये देखो, तो चलते हैं इन सबको लाते हैं यार। पहले तो ये दोनों लैम्बोर्गिनी में से पता करना पड़ेगा कौन डैमेज है। पहले इस, ये मेरी लाफरारी लेके चलते हैं इसको, ये डैमेज है। पहले पता है हमको, वहाँ खरीदे थे तो नहीं पता है भाई कि डैमेज है, तो इसको लेके चलते हैं। और डैमेज है तो क्या भाई, लगाओ इसको, बेच देंगे साला, सबको बेचेंगे यार, थोड़ी बहुत डैमेज तो चलेगी। ये लग गई यहाँ, इसको सीधा कर ले क्या, इसको सीधा कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा के बाहर साइड में कर देते हैं। साला जगह खा रहा है भाई, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ आसानी से लग जाएंगी, इस वजह से भाई थोड़ा सा तो बनता है अपना। और लेके आते हैं लैम्बोर्गिनी को, देखते हैं भाई, चेक करते हैं कि लैम्बोर्गिनी डैमेज है क्या। डैमेज भी होगी तो क्या यार, बिक जाएगी बहुत आसानी से, बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत एक्सपेंसिव कार है ये सब। और यही ना, थोड़े डॉलर कम मिलेंगे, लेकिन जितना कम मिलेंगे ना उतना यार मैं इसमें स्पेंड कर दूंगा, तो क्या फ़ायदा इसे रिपेयरिंग कराने का, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखो भाई, इतनी ज़्यादा लैम्बोर्गिनी है ना हमारे पास, मैं ऑफिस में भी 2-3 टॉप मॉडल के लैम्बोर्गिनी को लगाया हुआ हूँ, तो इस वजह से ये रियर कार में नहीं आती है, लैम्बोर्गिनी आसानी से मिल जाती है। हाँ भाई, मुझे बस अभी तक अगर कोई कार नहीं मिला है ना, तो वो है निसान GTR, और फरारी का और एक नया मॉडल है, नाम मुझे नहीं पता है, वो सब कार अभी तक हमको नहीं मिला इस गेम में, तो हमें सबसे पहले उन सभी कार को भाई परचेस करना है। तो आज देखेंगे, अगर आज टाइम मिला तो भाई पक्का उन सब गाड़ियों के लिए जाएंगे। और वो सब कार ना मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन में आती है भाई, कार मार्केट में नहीं आती है, या तो ऑक्शन में लो नहीं तो जीत के लो। तो जीतने वाला मुझे एक बार मिला था सिर्फ मौका, जिसमें हमने अपना वो क्या बोलते हैं लाफरारी एक जीता था, जिसको अभी भी मैं रखा हुआ हूँ, क्योंकि जीती हुई कार है भाई। इसको भेज देते हैं पार्किंग स्लॉट, और चलते हैं भाई इन 200 गाड़ियों को लगाते हैं वहाँ, और फिर देखेंगे सेल करके भाई सेल पे लगती है कि नहीं, क्योंकि टाइम हम लोग के पास उतना है नहीं। तो ये गई भाई इधर अपना, ये सबको लगाते हैं यहाँ भाई। आज बहुत सारी कारें हम लोगों ने 10 कार खरीदी है, तो इन 10 को पहले लगाते हैं यहाँ। ये देखो ये कार है, यहाँ लगा देते हैं भाई इसको। ये ब्लैक माफिया कार ना, नेक्स्ट टाइम टॉप मॉडल की अगर कार मिलेगी ना, तो भाई ड्रैग रेस के लिए कार रखूँगा मैं ब्लैक माफिया, क्योंकि किसी ने तो बोला था कि ये कार बहुत ज़्यादा मतलब 0 to 100 के बीच में ना ये कार बहुत अच्छा चलती है, इस वजह से इसको लूँगा। और ये देखो भाई, ये लॉर्ड मस्टैंग रिपेयरिंग हो चुकी है, तो कितनी खतरनाक दिख रही है भाई। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और हाँ नीचे सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होगा, उसको भी जल्दी से हिट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये हो गई हमारी तीनों कार भाई, चलते हैं अब इन सबको सेल पे लगाते हैं।
तो ओपन करते हैं हम अपना पिटारा। ये देखो कितनी खतरनाक दिख रही है यार, ड्रैग रेस खेल ले क्या एक भाई, चलते हैं इसको, इन सभी कार को कल सेल करेंगे भाई। तो अगर आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ और ये आपको कैसा लगा ये गेम प्ले। तो भाई कल हम इन 10 के 10 गाड़ियों को बेचेंगे, तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट।